1435 का ड्रम कैसे क्लीन किया जाता है मैं ये आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। 1435 का ड्रम मशीन से निकालने के बाद आपको इस कंडीशन में मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये पिन निकालनी है, ठीक है, ये वाली पिन। ये पिन निकालने के लिए आप नोज प्लायर का यूज़ कर सकते हैं और एक हाथ से इसको पकड़ कर रखें ऐसे, ठीक है। ये देखिए ऐसे ये निकल गया, बहुत ईजी है, आराम से आप इसको ऐसे करके ये ऐसे निकाल, ठीक है। ये आपका प्राइमरी चार्जर PCR जिसको बोलते हैं, इसको भी ऐसे निकाल लीजिए खींच के, ठीक। उसके बाद आपका ये ब्लेड है, इस ब्लेड को आप खोल लीजिए, ठीक है। दो स्क्रू है, आराम से आप उठा लीजिए इसको, हाथ से भी उठा सकते हैं आप, जैसा सुटेबल लगे आपको। इसके अंदर जो भी पेपर डस्ट है वो आप निकाल लीजिए। ये देखिए पेपर डस्ट है यहाँ पे, इसको साफ कर लीजिए, ठीक है। ऐसे पलट दीजिए, क्लीन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। अब आप फिर से इस पे ब्लेड वगैरह लगा दीजिए, ब्लेड को भी आप साफ कर सकते हैं, ब्लेड को भी साफ कर दीजिए, ठीक। ब्लेड आपका साफ हो गया, ये आपका ठीक है। अब आप इसको फिर से इस पर लगा दीजिए और इसके बाद ये रॉड PCR है ये, इसको भी साफ कर लें अच्छे से और इसको दोबारा से यहाँ लगा लें, ठीक है। अब ड्रम को भी क्लीन कर लें, ड्रम पे मॉइस्चर वगैरह जो भी कुछ हो वो आप क्लीन कर लीजिए। ड्रम पे अक्सर मॉइस्चर आ जाता है, तो उसके लिए क्या है कि आप एक पेपर लें वाइट, ठीक है। वाइट पेपर लेकर ड्रम पे मॉइस्चर हटाने का सबसे अच्छा तरीका है ये कि आप इसको ऐसे लगाएं और ऐसे थोड़ी देर रगड़ दीजिए, ड्रम पे अगर मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर से इसको लगा दीजिए और आपको ये जो है इसको बढ़िया से क्लीन करके फिर से इसमें देखिए यहाँ पे ये होल है, ठीक है, इस होल में लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका ड्रम यूनिट रेडी हो गया, ठीक है। अब आप इसको ड्रम यूनिट में लगा दीजिए।